राग देशकार। राग देशकार की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इस राग में मध्यम और निषाद यानी म और नी ये दोनों स्वर वर्जित हैं, अर्थात इन दोनों स्वरों के प्रयोग इस राग में नहीं होते। शेष पांच स्वरों के प्रयोग होते हैं। इस प्रकार इस राग के आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। राग देशकार और भूपाली में काफी समानता है, अतः राग देशकार को भूपाली से अलग करने के लिए धैवत यानी ध का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया जाता है। इस राग का वादी स्वर धैवत यानी ध है और संवादी स्वर गंधार यानी ग है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। राग देशकार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। धा गा पा दा पा गा रे सा। अब प्रस्तुत है राग देशकार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। ग रे सा पा धा पा पा गा पा धा पा धा पा पा ग रे सा पा धा पा पा गा पा धा पा धा पा 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 गा पा धा सा सा धा पा गा पा धा पा ग रे सा पा अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। प ग प ध स रे सा सा ध सा रे सा ध प ग प ध स रे सा सा ध सा रे सा ध ग रे सा रे सा ध प ग प ध प ग रे सा ग रे सा रे अभी आपने सुनी राग देशकार की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित
एक रचना। बोल हैं, कितना सुंदर कितना मनहर। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। कितना सुंदर अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। नारंगी लाल हरा पीला, नारंगी लाल हरा पीला, बैगनी आसमानी अभी आपने सुनी राग देशकार की स्वरमालिका, साथ ही सुनी इस स्वरमालिका पर आधारित रचना।